तो इस वीडियो में करेंगे एनसीआर का क्वेश्चन नंबर फोर जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा तो देखते चलो क्वेश्चन कह रहा है अ लॉन्ग वायर ऑफ ऑरजेंटल करंट कैरिंग देखो लॉन्ग वायर कह दे मतलब इन्फोनाइट वायर है सिंपल सी बात है फाइव वन फाइव टू फिर से नब्बे डिग्री लेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था कैरीज अ करंट ऑफ फिफ्टी तो चलो गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं भैया गिवन है अपने पास क्या क्या गिवन है करंट दे रखा है पचास एम्पियर तो लिख देते हैं पचास एम्पियर टू डायरेक्शन कह रहा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ठीक है नॉर्थ टू साउथ लिख देता करके करंट जो फ्लो कर रहा है गिवन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज पूछा है मैग्नीट्यूड भी पूछा है डायरेक्शन भी पूछा है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट टू पॉइंट फाइव आर दे रखा है टू पॉइंट फाइव मीटर और आपसे बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछ रहा है और ये आर कहाँ पे है ईस्ट ऑफ द वायर वायर के ईस्ट में अब देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे पहले तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लो जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तो ये हमारे पास ईस्ट है ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो करंट है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है यानी कि यहाँ से वायर इधर की ओर होगा ऐसे करके एक वायर दिखा देता हूँ मोटा सा ऐसे करके इधर की ओर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है आई इस वायर में समझ गए ये हमारे पास वायर है अब इसमें करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है और पॉइंट कहाँ पे पूछा है आपसे 2.5 पॉइंट फाइव ईस्ट ऑफ द वायर वायर से ईस्ट यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पे तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है टू है जो कि अपने को दे रखा है इस पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखो तो सिंपल सी बात है स्ट्रेट वायर की वजह से हम पहले वीडियो में बता रखे हैं आप कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो मेन फॉर्मूला होता है में पौर पौर पाई, में आर इंटू में साइन फाइव वन प्लस में साइन फाइव टू समझे कि नहीं समझे ये मेन फॉर्मूला होता है इसको अप्लाई करना आना चाहिए जहां लॉन्ग वायर कह दे समझ जाना फाइव वन फाइव टू दोनों बराबर है किसके नब्बे डिग्री के अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो अब देखा आपने इसका मतलब वीडियो नहीं देखा, देखा। को पहले। चलो। अब आज उसके आगे करते हैं टू लिखा जाएगा जैसे कि लास्ट वीडियो में करा था हमने अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो और क्या देखो बी इजकल टू कितनाएगा इसकी वैल्यू रटवा चुके हम चार पांच क्वेश्चन कर चुके भाई साहब टेन की पावर माइनस सेवन होता है सीधे सीधे पुट कर दो आई कितना होता है फिफ्टी दे रखा है होता क्या फिफ्ट दे रखा है आर कितना है ये 2.5 मीटर में है तो सेंटीमीटर में नहीं दिया इस बार तो डायरेक्टली लिख पुट कर टू पॉइंट इंटू में 2 का 2 लिख देंगे भाई साहब लिख देंगे कि लिख देंगे अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो यहां से पॉइंट हटाया इसको कटा तो पच्चीस धुनी पचास ये आएगा बीस और बीस इंटू में दो चार सौ हो जाएगा नहीं चालीस होगा यार चालीस इंटू टेन की पावर माइनस सेवन टेस्ला का मैग्नेटिक फील आ रहा है हो सकता है डायरेक्शन तो क्या पूछा गया डायरेक्शन तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे डायरेक्शन तो निकालने के लिए कुछ मत करो राइट फ्लेमिंग लेफ्ट राइट, हैं राइट हैं रूल यूज करते हैं अब दो रूल है मैं आपको सबसे आसान रूल बताता हूँ जो कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले करो क्या डायरेक्शन निकालने के लिए अपने सारे उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रख दो करंट किधर था नॉट टू शॉर्ट तो इधर की ओर हाथ रख दिया ऐसे करके समझ गए अंगूठा को कर दो परपेंडिकुलर देखो तो मेरा पूरा नहीं हो सकता भाई साहब जितना होगा उतना कर दे ऐसे करके हाथ रखा इसको इधर और इसको सीधा मतलब नब्बे डिग्री बनाने की कोशिश की चारों उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखा और जिधर की ओर पॉइंट है उधर की ओर मोड़ दो जैसे इसमें पॉइंट किधर की ओर ऊपर की ओर तो ऐसे करके चारों उंगलियों को मोड़ूंगा तो अंगूठा किधर आ रहा है बाहर तो अंगूठा हमेशा डायरेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा समझ गए फिर से बताता हूँ करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखो अंगूठा सीधे रखो और चारों उंगलियों को पॉइंट की तरफ घुमाओ तो आपका जो अंगूठा वो क्या देगा मैग्नेटिक फील समझ गए तो इस बार जो मैग्नेटिक फील आ रहा है किधर आ रहा है बाहर की ओर तो हम बोलेंगे ये जो होगा मैग्नेटिक फील वो किधर होगा वर्टिकली आउटवर्ड वर्टिकली आउटवर्ड वर्टिकली आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर निकल रहा होगा या फिर वर्टिकली अपवर्ड भी कह सकते हैं इसको तो जो भी एंसेट लिखा हो प्रिंट हो देख लेना अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ तो आपको डायग्राम की बात कर लेते हैं अगर मैं कहता हूं ये रहा करंट ऐसे करके ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है अब मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो आप तो मैग्नेटिक फील्ड फील मार्ग निकालना मतलब डायरेक्शन बताओ तो आप क्या करोगे सबसे पहले फिर से वही इसको परपेंडिकुलर किया चारों उंगलियों को किधर की ओर रखा करंट के डायरेक्शन में अब देखते इधर बात घुमा देना ऐसे करके पॉइंट किधर है उधर की ओर तो हाथ को ऐसे घुमाओगे पहले पहले करंट के डायरेक्शन में रखा फिर पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाया और फिर क्रॉस किया तो अंगूठा किधर आएगा अंदर समझ गए फिर से क्वेश्चन देख लो ये रहा मैं कहता हूं कि पॉइंट मेरा ये रहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस बाहर की वजह से तो फिर से क्या करोगेडिकुलर चा, किया चारोंगलियों को कर घुमा की तरफ घुमाऊस तो करके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो मैग्नेटिकील्ड यहां पर भी अंदर होगा क्रॉस बना देंगे यहां पर मैगनेटिका तो आई होप क्या आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक भी कर देना और सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ाना है हर वीडियो में रो रो के बोलना मैं जल्दी से बढ़ा दो सब्सक्रिप्शन लेवल चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट फाइव के साथ नहीं फोर के साथ होता है पाओ